आज मैं लाया हूँ एक छोटा सा टॉपिक जिसे आपको दिन में कई बार बोलना पड़ता है, जैसे अक्सर आपको अपनी डेली लाइफ में कहना होता है, ऐसा होता है या ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ था, ऐसा होता आया है, ऐसा हो सकता था। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको कहना हो कि ऐसा होता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट हैपेंस, यानी ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है इट इज हैपनिंग, ऐसा हो रहा था इट वॉज हैपनिंग, ऐसा होगा इट विल हैपन, ऐसा हुआ है इट हैज हैपन्ड, ऐसा हुआ इट हैपन्ड, ऐसा हुआ था इट हैड हैपन्ड, ऐसा होता आया है इट हैज बीन हैपनिंग, ऐसा हो सकता है इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता था इट कुड हैव हैपन्ड। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब आपको कहना हो ऐसा होता है या ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा था, या ऐसा हुआ, ऐसा होता आ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या सीखा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।